वहीं मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 20 पैसे महंगा हुआ, तो पेट्रोल 88 रुपये और 3 पैसे तो डीजल 79 रुपीज़ 82 पैसे प्रति लीटर की दर बिक रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की ज़रूरतों के सामान भी अब उनके भी दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों के महीने का बजट गड़बड़ा गया है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो शनिवार को पेट्रोल के दाम 26 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं, तो वहीं डीजलों की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। बढ़े हुए दामों के बाद आज भोपाल में पेट्रोल 88 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 79 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जिसके चलते अब आम लोगों की जेब पर और महीने के बजट पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का सीधा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि लंबा जो कोरोना कॉल चला, लॉकडाउन चला, उसके चलते लोगों की जो आर्थिक समस्याएं थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आर्थिक मोर्चे पे आम लोग पहले ही कमज़ोर थे, वहीं अब जो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसके चलते जो रोज़मर्रा का जो ज़रूरी सामान होता है, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे फल हो, सब्जी हो, दूध हो, अंडे हो, इन तमाम चीज़ों के दाम भी अब बढ़ते हुए नज़र आने लगे हैं। इस सब के चलते जनता अब राहत के लिए सरकार की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है कि जो टैक्सेशन लगातार बढ़ाया जा रहा है उसे कम कर पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत दी जाए। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे।